मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो ये है अपने पास चैप्टर सेकंड, क्लास 12। चैप्टर सेकंड का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो भी प्रतिलोम फलन, देखो त्रिकोणमितीय फलन तो हमने पढ़ा था, उसके बाद बात आती है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो सबसे पहले हम फलन देखते हैं कि फलन होता क्या है। ठीक है, एफ एक ए से बी तक संबंध था। ठीक है, अभी संबंध है, फलन कब होगा, फलन की कुछ परिभाषा ही थी उसको संतुष्ट करेगा था, यानी एक दो तीन यहाँ पे है ए बी और सी। ठीक है, इसका प्रतिबिंब है अपने पास ए, इसका प्रतिबिंब है बी, इसका प्रतिबिंब है सी। ठीक है, प्रत्येक अवयव का एक न एक प्रतिबिंब होना चाहिए, तो क्या कहलाता है, एफ ए से बी में क्या कहलाएगा, एफ एक फलन है। ठीक है, सबसे पहली बात आई फलन की। अच्छा, अब फलन का प्रतिलोम कब विद्यमान होगा, प्रतिलोम जब विद्यमान होगा जब फलन एक एक की ओर आच्छादक होगा। ठीक है, अब एक एक की ओर आच्छादक की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए भाई, मान लीजिए एक फलन f इस प्रकार है, एक दो तीन ए बी। ठीक है, इसका प्रतिबिंब ये है, इसका भी प्रतिबिंब ये है। ठीक है, और तीन का ये, एफ जो है वो ए से बी में है। फलन एक एक ही है या आच्छादक है, नहीं है। देखो, अगर हम इसका इन्वर्स करते हैं, उल्टा करेंगे तो कैसे होगा, उल्टा करेंगे तो ये बी से ए में आ जाएगा, बी से एम। एफ इनवर्स जो हो गया बी से हो गया एम, और एफ जो था वो ए से था बी। ठीक है, अब ये तो रहेगा ए और ये बी, और यहाँ पे हो जाएगा वन टू। ठीक है, यानी ए का भी प्रतिबिंब ये है, ए का ये बी है, और बी का ये। ठीक है, यहाँ फलन जो है हमने क्या बताया था कि ए का अवयव की कोई भी एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, एक का प्रतिबिंब भी ए है, दो का प्रतिबिंब भी ए है, एक एक ही है या नहीं है, यहाँ एक एक ही नहीं है। ठीक है, आच्छादक के लिए तो इसके प्रत्येक अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ठीक है, एक एक ही नहीं है, तो इसका इन्वर्स करने पर देखते हैं, एक ही अवयव के दो प्रतिबिंब आ रहे हैं तो ये फलन ही नहीं होगा। प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए था। ठीक है, या फिर दो अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है, एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होंगे, इस कंडीशन में क्या कहलाएंगे, ये एफ जो ये है फलन ही नहीं होगा, ये फलन ही नहीं होगा, तो प्रतिलोम फलन तो कैसे होगा। ठीक है भाई, तो जब फलन एक एक ही और आच्छादक नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि यह प्रतिलोम भी नहीं होगा, तो इसलिए फलन के एक एक ही और आच्छादक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो बात हुई फलन के बारे में, और फलन का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। अब बात आती है त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो भाई त्रिकोणमितीय फलन छह प्रकार के होते हैं हमारे पास, क्या यहां लिख देता हूं मैं फलन। ठीक है, यहां उसका क्या है प्रांत, और यहां आ जाएगा परिसर। ठीक, फलन होता है एक साइन एक्स, फिर बात आती है कोस एक्स, फिर टेन एक्स, उसके बाद कोट एक्स, ये सेक एक्स, और ये कोसेक एक्स। ठीक है भाई, छह प्रकार के फलन विद्यमान होते हैं। साइन का प्रांत क्या आएगा, देखो साइन में आप कोई भी वास्तविक संख्या, प्रांत जो होता है वो क्या होता है, हम किसी ना किसी संख्या रखते हैं। ठीक है,
एक्स का कुछ ना कुछ मान रखते हैं, वो होता है प्रांत, और जो मिलेगा वो क्या होता है परिसर। तो भाई मैं प्रांत में सारी वास्तविक संख्याएं रख सकता हूं, परिसर में क्या क्या मिलेगा, माइनस वन से लाकर वन तक। साइन की अगर आप टेबल देखते हो तो उसमें क्या आएगा, एक तो माइनस एक आता है, जीरो आता है, एक बटे दो आता है, एक बटे रूट दो आता है, अंडर रूट तीन बटे दो आता है, और मैक्सिमम एक आता है। ठीक है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आते। इसका मतलब ये है कि माइनस एक और एक शामिल है और उनके बीच के अवयव शामिल है, तो इसका परिसर क्या होगा, माइनस वन टू वन। इसी प्रकार कोस में भी ऐसा ही होता है, कोस की टेबल जो है वो जस्ट उल्टी होती है। ठीक है, सभी वास्तविक संख्या आप रखो, मिलेगा क्या अपने को, माइनस वन से वन तक मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टेन के बारे में बात करते हैं। सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, लेकिन वास्तविक में से टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ये क्या लिख दिया भाई। टेन जो होता है वो 90 डिग्री पर अनंत या फिर अपरिभाषित होता है। टेन 90 यानी पाई बाई टू अपरिभाषित, तो 90 का गुणज को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं, मतलब 90 180 मतलब 90 नहीं होगी, 90 के गुणज कोई भी नहीं होगा, उसको छोड़कर सभी वास्तविक संख्या आप रखो, क्या मिलेगा हमारे पास, टेन में मिल जाएगा सभी वास्तविक संख्या। ठीक है, अच्छा कोट के लिए आप क्या करोगे, कोट के लिए आर में से आप माइनस कर दोगे, कोट जिसका अपोजिट होता है वो एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, एन पाई का मतलब ये पाई के गुणज पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब अपरिभाषित होता है, तो हम मिलेगा क्या अपने पास, सारे रियल नंबर। सेक के लिए, सेक के लिए सारे रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन आप वही 90 का गुणज नहीं रखोगे, क्योंकि 90 के गुणज पर अपरिभाषित हो जाएगा, और मिलेगा क्या भाई आपको, सारे रियल नंबर मिलेंगे लेकिन माइनस एक से एक को छोड़कर। कोसेक के लिए, कोसेक जो होता है एन पाई पर अपरिभाषित होता है, ठीक है, और मिलेगा क्या हमको, आर माइनस माइनस वन टू वन, सभी रियल नंबर मिलेंगे, सभी वास्तविक संख्याएं मिलेंगी, लेकिन माइनस एक से एक के बीच में, या फिर इन दोनों को छोड़कर। ठीक है, तो ये थी अपने पास ओनली फलन के बारे में, त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर। इसी प्रकार अब सबसे पहले ग्राफ देख लेते हैं कुछ इनके, ये टेबल जो है ग्राफ से और भी ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। साइन का ग्राफ बताएंगे तो उसमें सभी वास्तविक संख्या रखेंगे, फिर देखते हैं परिसर में ये मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, कोस में भी सेम ऐसे मिलेगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन एक्स का ग्राफ, फिर इनवर्स का ग्राफ भी देखेंगे, इसकी इनवर्स की टेबल भी देखेंगे कि इसके इनवर्स का परिसर प्रांत क्या होता है। ये टेबल आपको नोट करनी है, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। देखिए भाई, साइन एक्स का ग्राफ वाई बराबर साइन एक्स, ठीक है, यानी आप एक्स का मान रखते जाओ, वाई का मान आता जाएगा। तो किस प्रकार बनाएंगे भाई इसको, ग्राफ को ये है अपने पास एक्स अक्ष और ये एक्स डैश, वाई एक्स और वाई डैश, ठीक है, ये अपने पास है बीच में जीरो। देखिए भाई, ये जो नंबर है वो क्या है, पाई बाय टू, ठीक है, यहां है अपने पास पाई, फिर थ्री पाई बाय टू, टू पाई, और बड़ा लिख देता हूं फाइव पाई बाय, ठीक है भाई, थ्री पाई बाय टू, ये हो गया टू पाई। ठीक है, इसी प्रकार इस साइड में क्या होगा, माइनस के होंगे सारे,
माइनस का पाई बाय टू, माइनस का पाई, माइनस का थ्री पाई बाय टू, माइनस का टू पाई, और आती है बात आगे माइनस का फाइव पाई बाय। ठीक है भाई। अच्छा अब आप इन पे चेक करो कि वैल्यू ये आती है या नहीं आती। ठीक है, किस प्रकार करते हैं। x का मान आपने रखा कितना, इसे स्टार्ट कर देते हैं। x बराबर मैं रखता हूं जीरो, तो y बराबर कितना आएगा, साइन जीरो, साइन जीरो का मान जीरो। ठीक है, x बराबर मैंने रखा पाई बाय टू, तो y बराबर कितना आएगा, साइन पाई बाय टू, साइन नब्बे का मान कितना होता है एक। एक्स बराबर मैंने रखा पाई बाय टू के बाद पाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन पाई, साइन पाई पर होता है जीरो। एक्स बराबर आपने रखा थ्री पाई बाय टू, तो वाई बराबर आ गया साइन थ्री पाई बाय टू, साइन थ्री पाई बाय टू पर कितना हो जाएगा भाई, माइनस का वन। ठीक है, उसके बाद बात आती है x इज इक्वल टू टू पाई, तो y बराबर साइन टू पाई, और साइन टू पाई पर कितनी वैल्यू होती है भाई, साइन टू पाई पर आ जाएगी वापस से जीरो। x इज इक्वल टू आपने ले लिया फाइव पाई बाई टू, तो y इज इक्वल टू साइन फाइव पाई बाई टू, साइन फाइव पाई बाई टू पे कितनी होती है, प्लस की वन। ठीक है, ये तो ले लिया अपन ने उस साइड के प्लस की, अब ले लेते हैं हम माइनस वाले की सारी। ठीक है, एक्स बराबर आपने ले लिया माइनस का पाई बाई टू, तो वाई इज इक्वल टू आएगा साइन माइनस पाई बाई टू, और साइन माइनस पाई बाई टू का मतलब हो जाएगा माइनस का वन। ठीक है, क्यों, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, माइनस बाहर आएगा तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू माइनस वन है, जो भी ये वैल्यू है उसकी सारी अपोजिट होती चली जाएगी ना। एक्स इज इक्वल टू उसके बाद आता है माइनस का पाई, तो वाई इज इक्वल टू साइन माइनस पाई, साइन पाई ही जीरो है तो माइनस जीरो भी क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। उसके बाद बात आती है किसकी, माइनस का थ्री पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाय, तो y इज इक्वल टू साइन माइनस थ्री पाई बाय टू, तो भाई साइन थ्री पाई बाय टू कितना था, माइनस एक था, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का एक हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसे हो रहा है देखो, ये साइन माइनस एक्स क्लास इलेवन जो पढ़ा था अपन ने, माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, तो साइन माइनस का थ्री पाई बाय टू क्या होगा, माइनस का साइन थ्री पाई बाई टू, साइन थ्री पाई बाई टू की वैल्यू अभी निकाली थी, माइनस का वन, माइनस इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। अब उसके बाद एक्स इज इक्वल टू लेना माइनस थ्री पाई बाई टू के बाद माइनस का टू पाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, साइन माइनस टू पाई, और ये हो जाएगा भाई टू पाई पे कितना था, जीरो, तो ये भी जीरो ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बचा एक्स इज इक्वल टू माइनस का फाइव पाई बाई टू, तो वाई की वैल्यू आ गई साइन माइनस फाइव पाई बाई टू, और वो साइन फाइव पाई बाई टू निकला था वन, और ये हो जाएगा माइनस का वन, माइनस का वन। तो इस प्रकार से हमने सारी वैल्यू तो निकाल ली भी। अब वैल्यू निकालने के बाद हम देखते हैं इस ग्राफ में वैल्यू रखते हैं। ठीक है, देखो y पे क्या क्या मिल रहा है आपको, जीरो मिल रहा है, माइनस वन मिल रहा है, और वन मिल रहा है। जीरो है, यहां से वन होगा, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस वन। ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो पर जीरो है, ठीक है बिल्कुल। पाई बाई टू पर कितना है, वन, पाई बाई टू पर कितना आएगा, वन। ठीक है, पाई पर कितना आ गया, जीरो, मतलब ये ऐसे चढ़ा आ गया जीरो। ठीक है, अच्छा उसके बाद पाई पर हो गया जीरो, थ्री पाई बाई टू पर माइनस वन,
नीचे 2 पाई पर कितना हो गया, जीरो। मतलब ऐसे आएगा भाई ये 2 पाई पर जीरो। इसकी सीधाई में ले लेते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास 2 पाई। ये जो थी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 1, और ये 3π/2। यहाँ लिख देते हैं 3π/2, यहाँ से ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, 2π के बाद क्या आता है, 5π/2। 5π/2 पे कितना आ रहा है, 1। तो ये ऐसे बड़ा यहाँ पहुंच गया, मतलब ज्यादा नहीं, यहाँ तक। पहुंच गया, और आगे जैसे लेते जाएंगे 7π/2, 9π/2, ऐसे और चलता जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ माइनस के बारे में। -π/2 पे -1 आ रहा है, ठीक है, यानी ये आगे नीचे, और फिर -π पे कितना आ रहा है, 0। यानी कुल मिला के ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ ठीक है भाई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, ये जो है माइनस का π/2, थोड़ा सा ठीक है। उसके बाद ये 3π/2 पर कितना जाएगा, -π के बाद -3π/2 पे 1 जाएगा, और -2π पे कितना हो गया, 0 आ गया। तो यानी ये एक लूप ऐसे बनेगा, बन गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, 2π पर, माइनस का 2π पर -π/2 पे कितना आ रहा, -1। तो यानी ये नीचे चला जाएगा, माइनस का 5π/2, और इस पर जाती है वैल्यू ये, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ग्राफ किस प्रकार बनाइए, इस प्रकार लूप के फॉर्म में क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया। तो ये जो ग्राफ था y=sin x का ग्राफ है। ठीक है, अगर आप चाहो साइन इनवर्स का निकालना, तो साइन इनवर्स का कैसे निकालेंगे भाई, इस ग्राफ को जस्ट ऐसे कर देंगे। ठीक है, कैसे, एक्स जो है वो वाई एक्स जो है एक्स एक्स में बदल जाएगा, एक्स एक्स जो है वो वाई एक्स में बदल जाएगा। तो ये तो था अपना क्या, साइन का ग्राफ। अब देखते हैं, देखो जैसे मैं इस ग्राफ को इनवर्स का ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, प्लस की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, माइनस की वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये -1 रहेगा और ये 1 रहेगा, और प्लस वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। जैसे बढ़ा के दिखाते हैं अपन इस ग्राफ को भाई, ऐसे कैसे नोट करना है, साइन का इसी प्रकार से बनेगा कोस का, कोस का जो है वो आपको बनाना है। ठीक है, और साइन का जैसे मैं इनवर्स का बताता हूं, वैसे वैसे आपको इसका इनवर्स भी निकालना है। तो साइन और साइन इनवर्स का मैं करा रहा हूं, कोस और कोस इनवर्स का जो है वो आपको करना है। तो देखिए भाई किस प्रकार से बनाते हैं, ये अपना हो जाएगा एक्स अक्ष जो है वो वाई अक्ष में बदल के, यानी ये लंबा अक्ष हो जाएगा, और ये जो है अपने पास छोटा अक्ष ले लेंगे, ये हो गया एक्स डैश और ये वाई, और नीचे हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, अब देखिए भाई ये एक्स बराबर क्या हो जाता है, साइन इनवर्स वाई। ठीक है, यानी आप y की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू आती जाएगी, है ना। x पे अब क्या में रखेंगे भाई, आती क्या है, आती जो वैल्यू है अपने पास क्या, -1 से 1 के बीच में आती है। ठीक है, सबसे पहले आपने ले लिया यहां पे क्या i, उसके बाद सॉरी π/2, फिर पाई 3π/2, और ले लिया 2π। ठीक है,
माइनस की अगर बात करें तो यह जाएगा माइनस का पाई बाय टू, माइनस का टू पाई, सॉरी माइनस का पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू, और फिर लास्ट में जो लिया अपन ने क्या माइनस का टू पाई। ठीक है, यहां जो वैल्यू आएगी वो माइनस वन और जीरो रहेगी, यानी माइनस वन की रहेगी और ये प्लस वन की रहेगी। ठीक है, अब जो ये था जीरो, भाई अपन ने ऐसे देखा था पाई बाई टू पे क्या अधिकतम वैल्यू रहती है और पाई पे आके जीरो जाती है, तो इसको मैं एक बार साफ कर लेता हूं, बाद में लिखते हैं इसको। ये पाई बाई टू पे अधिकतम वैल्यू आके और यहाँ पे खत्म। ठीक है, थोड़ा सा ठीक, अधिकतम वैल्यू वन आ गई। ये तो था अपने पास क्या पाई बाय टू पाई, ठीक है पाई थोड़ा सा इधर, फिर थ्री पाई बाय टू पे माइनस वन आती है और फिर टू पाई पे वन हो जा जीरो हो जाती है ना, तो ये एक लूप ऐसे बन जाएगा अपने पास, बन गया। ठीक है, उसके बाद माइनस पाई बाई टू पे जो है माइनस वन रहती है और फिर माइनस पाई पे जीरो हो जाती है, ये जीरो यहां लिख लेते हैं, यानी ये एक लूप बन गया अपने पास यहाँ। उसके बाद माइनस पाई और ये थ्री पाई बाई टू पे वन हो जाती है और इस पे माइनस टू पाई पे आके जीरो, एक लूप ये बन गया। क्यों क्या माइनस का थ्री पाई बाई, ठीक है तो ये मैक्सिमम वैल्यू वन क्यों कवर करती है। इस प्रकार से ये किसका ग्राफ बना भाई, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो जैसे देखो अपन ने कैसे बनाया था, अपन ने एक सीधा सा ग्राफ ये था साइन का, क्या ऐसे ये साइन का ग्राफ था। अब इसको क्या कर दिया अपन ने, जस्ट ऐसे कर दिया इसको, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो गया, जैसे एक्स अक्ष था वो वाई एक्स बन गया, वाई एक्स था वो एक्स अक्ष बन गया, तो ये बन गया साइन इनवर्स का ग्राफ। अब इसी प्रकार हमें सबसे पहले कोस का ग्राफ बनाना है ना, वाई बराबर कोस एक्स ग्राफ, तो भी एक्स के आप क्या क्या मान रख सकते हो, यही सारे मान रखने हैं क्या पाई बाय टू, ठीक है और फिर माइनस का पाई बाय टू, एक्स इज इक्वल टू आपको रखना है पाई, एक बार रखना है माइनस का पाई, थ्री पाई बाय टू रखना है और एक माइनस का थ्री पाई बाय टू बस, और एक एक्स बराबर टू पाई और एक एक्स बराबर माइनस का टू पाई। ठीक है, ये सब वैल्यू इसमें रखेंगे तो अपने पास वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही y की वैल्यू मिलती है कोस का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है भाई, कोस x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा अपने पास, मतलब ये एक नीचे लूप कवर कर लिया, एक ऊपर लूप कवर करेगा ऐसे, और भी आगे बढ़ सकता है बढ़ाना चाहो तो इसे, ठीक है ऐसे। ये अपने पास क्या है वन है और ये वैल्यू है माइनस वन है, जीरो है, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई और वाई डैश, इस टाइप से आपको क्या निकालना है कोस एक्स का ग्राफ निकालना है। और कोस निकालने के बाद जैसे ही कोस निकल जाता है तो कोस इनवर्स भी निकल जाएगा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, कैसे सेम इसी तरीके से, ये x अक्ष था तो y अक्ष बन गया, y अक्ष था तो x अक्ष बन गया, अपने क्या करना है ऐसे, ठीक है वैल्यू रख के, तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स का ग्राफ।
और ये जो था अपने पास क्या था, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ। तो इस टाइप से दोनों ग्राफ बनाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ फॉर्मूले के साथ, और इन फॉर्मूले से अपने क्या करना है, आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू गाइस।